हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको यहाँ दे रखा है द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट्स 2a, 3a, 3b, 2b, c, आर कोलिनियर। क्या ये कोलिनियर है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। फॉर नो वैल्यू ऑफ एबीसी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एबीसी, ए कोमा सी बाई फाइव कोमा बी आर इन एच पी, एंड आपको दे रखा है ए कोमा टू बाई फाइव सी कोमा बी आर इन एच पी। ये आपको बताना है, अगर ये एच पी में होंगे तो क्या वो कोलिनियर है, ये चीज आपको बतानी है। तो कोलिनियर होता है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जो है वो जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दे रखा है 2a, 3a। यहाँ 2a आ गया, यहाँ 3a आ गया, 3a आ गया। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है 3b, 2b, दूसरा ये दे दिया, और तीसरा दे रखा है c दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करें, इस फर्स्ट रो में से हमने ए कॉमन ले लिया, सेकंड में से हमने बी कॉमन ले लिया, थर्ड में से हमने सी कॉमन ले लिया। तो यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 1/a आ जाएगा, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 2 बचा है ना, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/b आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1/c आ जाएगा। ठीक है ना भाई, रो फर्स्ट में से हमने ए कॉमन ले लिया, रो सेकंड में से हमने बी कॉमन ले लिया, और रो थर्ड में से हमने सी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये वाली टर्म तो क्या है, जीरो में चली जाएगी उधर, और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। सो 2, 3, 1/a, यहाँ 1/b आ गया, यहाँ 1/c आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 था ही सरी, और ये हम वापस एज इट इज लिख लेते हैं 3, 2, और ये 1, 1 आ गया था। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, सो 2 × 1/c हो जाएगा, माइनस 1/b हो जाएगा, माइनस 3 × ये हो गया आपका 3/c माइनस 1/b, राइट, प्लस 1/a आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 3 − 2, यानी कि 1 ही आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया 4/c माइनस 2/b माइनस 9/c प्लस 3/b प्लस 1/a, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, ये बी वाला और ये बी वाला, इससे हमको 1/b मिल जाएगा, और 1/a ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो 1/a, 1/b तो ये मिल गया आपको, ठीक है, इधर आपका 0 है ही सरी। ये 4/c है और ये माइनस 9/c है, तो यहाँ से आपके पास माइनस 5/c मिल जाएगा। तो 1/a प्लस 1/b आपको मिल गया 5/c के इक्वल। ठीक है, अब आपको ऑप्शन 4 यहाँ पर आप देखो, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। वो कैसे है, आपको ये क्या दे रखा है, एचपी में दिया हुआ है। अब आप एक चीज आप जानते हो कि 1/a, 1/b, 1/ इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले, ताकि समझने में आसानी रहेगी आपको भी। आप हम जानते हैं एक रिलेशन, क्या रिलेशन हम जानते हैं, कि अगर ए बी और सी अगर एच पी में है, आर इन एच पी में है, तो हम रिलेशन जानते हैं 1/a + 1/c जो होता है 2/b के इक्वल होता है, ये रिलेशन हमको पता है। ठीक है ना, अगर ए बी सी एच पी में है तो ये रिलेशन हमको पता है। अब हमारा यहाँ ऑप्शन डी को देखो, अगर ये तीनों अगर एच पी में है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि 1/a + 1/b। यहाँ पर हमने क्या करा था, फर्स्ट वाले को 1/a करा था, लास्ट वाले को 1/c करा था, और 2/ करा है हमने बी। तो हम यही चीज अगर यहाँ करके देखें, यहाँ करके देखें तो 1/a + 1/b, और ठीक है, और यहाँ इज इक्वल टू 2, ये वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर में जाएगी 2/5c। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, 2 से 2 कटेगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा मेरा, राइट। तो ये क्या बनेगा, 1/a + 1/b इज इक्वल टू 5/c बन रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो रिलेशन मेरा यहाँ पर आया है, क्या वही रिलेशन बन रहा है इस फोर में, अगर ये आपके एच पी में है
ये तीनों टर्म अगर आपके एचपी में है तो सेम वही रिलेशन बन रहा है, यही वाला रिलेशन बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट है। आपका आंसर क्या आएगा, ए कोमा टू बाई फाइव इंटू सी कोमा बी जो होंगे वो क्या होंगे आपके एचपी में होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट।